हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस दौर में बोलना जो है वो डिसक्वालिफिकेशन समझा जाता है अयोग्यता समझा जा जाता है भारतीय लोकतंत्र में प्रश्न पूछना इस समय एक भारतीय नागरिक की अयोग्यता है इसलिए मैं कहने को मजबूर हूं भारत के युवतियों से युवाओं से कि बोल कि बोल की लब आजाद है तेरे बोल जब आप तक तेरी है तेरा सुतवा जिस्म है तेरा बोल की जहा अब तक तेरी है पिछले एक सप्ताह से संसद का सत्र चल रहा है और संसद में जनता के मुद्दों के बजाय रोज जब केंद्रीय मंत्री संसद के शुरू होने से पहले भारत के टेलीविजन पर झूठ बोले और विपक्ष के नेताओं पर झूठा आरोप लगाएं तो बोलना जरूरी है। जब हमारे नेता उस झूठ का पर्दाफाश संसद के पटल पर करना चाहें और संसद म्यूट हो जाए उन्हें बोलने से रोका जाए तो बोलना जरूरी है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद भाषण और राहुल गांधी जी का धन्यवाद भाषण एक्सपंज कर दिया जाए तो बोलना जरूरी है जब सत्ता पक्ष बेरोजगारी महंगाई के सवालों से बचे जब प्रधानमंत्री जी चीन की अतिक्रमण से और अरुणाचल में चीन की सेना द्वारा गांव बसा बसा लिया जाने पर बगले झांकते नजर आए तो बोलना जरूरी है जब आर्थिक असमानता इतनी बढ़ जाए देश में कि एक किसान महज सत्ताईस रुपए से अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो और प्रधानमंत्री के मित्र रोज हजारों करोड़ रुपए कमाए तो बोलना जरूरी है जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया एक 180 देशों में एक सौ रैंक पर आ जाए एक साल में आठ रैंक घट जाए तो बोलना जरूरी है जब सरकार की आलोचना पर रेड हो अरेस्ट हो प्रेस सेंसरशिप हो तो बोलना जरूरी है जब राजनीतिक विरोधियों कवियों सिविल सोसाइटी के लोगों और छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो बोलना जरूरी है मैं इस मंच के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं इस प्रेस वार्ता को खास करके युवा युवतियों और युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लें भारत के यंग इंडिया के बोल का ये दो uh, 2019 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम तीसरा तीसरा सत्र है इसमें भाग लें कई लोग हैं पिछले तीन सालों में जो जिन्होंने की अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाई है वो आप उनको अक्सर अब टेलीविजन पर देखते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं आप निकले बोले आपकी बात हर घर में गूंजे हर घर के दरवाजे खोले जो लोग सोए हैं उनको जगाए ध्यान सिर्फ ये रहे कि आप कभी आए तभी जुड़े जब आपकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मैच करती हो जब आपको विश्वास हो कांग्रेस की विचारधारा में और जीवन पर्यंत्र पार्टी की सेवा करने के लिए तत्पर हो इसको महज एक मौके की तरह इस्तेमाल ना करें बगैर आइडियोलॉजी की कमिटमेंट के ज्वाइन ना करें वरना आप धोखा देते हैं और एक प्रवक्ता अगर अपनी आइडियोलॉजी से धोखेबाजी करता है तो कई भविष्य में आने वाले प्रवक्ताओं का भविष्य खराब करता है इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आने वाले सत्र में कैसे कैसे क्या कार्यक्रम है इसके बारे में आपको बताया जाएगा मैं अभी इंग्लिश में बोलूंगी क्योंकि सब लोग यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत मेरे जो शब्द हैं इंग्लिश में रखूंगी सो फर्स्ट एंड फॉर्मो मैं बहुत खुश हूं कि यंग इंडिया के बोल के मंच पे मैं भी बोल सकती हूँ यूथ कांग्रेस के मंच पे मैं भी बोल सकती हूँ Young India Ke Bowl Ka Shurawat was started in 2019. Now, why did Young India uh, Ke Bowl was started? Let's understand the biggest political platform for the youth is the Youth Congress in this country. And that is why the Youth Congress decided that there should be a platform where one can raise the voice of the youth. The youth have many issues they have. They face, and we, they needed a platform to raise that voice, and that platform is Young India Kebul, which was started by the Youth Congress. As you all know, after 2014, there is an undeclared emergency in this country, undeclared emergency, where the voice of the youth, and most of all, have been suppressed. And for that, to bring about that voice out. Again, I reiterate Young India Kebul was started. And our former Congress president, Rahul Gandhi ji and our leader wanted this platform too, so that every Indian, every youth, irrespective of their background, kivo Uttar Dakshin Dakshan se hai, Uska jo dharam kya hai, wo economically kaisa hai without looking at any of those things.

बेरोजगारी हर बार ये सरकार बोलती है कि कोविड के वजह से यहां बेरोजगारी है बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट टू थाउजेंड टू सेवेंटी टू थाउजेंड सेवेंटीन टू टू थाउजेंड एटीन सीएमआई रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज अराउंड सेवन पॉइंट एट which the द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन द प्रेजेंट गवर्नमेंट it. It इट द सीएमआई रिपोर्ट केम आउट Then they took it back. Why? Because they were scared that the 2019 elections are coming up. And they did not want that report to come out. Now, why did I bring this out? And also let's understand ki COVID ke same, unemployment rate. Ka jo, uh, number same, jo the, It was 20.3%. But I want to tell you in 2008, jab global economic recession, ta, when there was a global economic recession. During the UPS Sarkar, the unemployment rate was 5.4%. So how can this government say that it was due to COVID? Or what was the reason that before COVID that we had the highest unemployment rate of 45 year high? What is the answer for that? And also we must understand that more than nine lakh People after 2014 have left this country. They've taken up another citizenship because they're not finding em un uh, employment here. And also, very important, which you all don't know or you must not have thought about big, big companies like Ford, Chevrolet have closed down and left this country. They will say, yeah, there are some few mobile companies which are started, but these are very big companies. And I will just give you two, three things on the state of unemployment in this country. 2020, engineering graduates are applying for Mandrega jobs in Uttarakhand. 7,000 engineering graduates applied for 549 sanitary workers post in Coimbatore in 2019. 93,000 candidates, including 3,700 PhD holders, post graduates applied for Pune jobs. 4,000 people applying for sanitary workers' jobs in Chennai, and 82 lakh engineers and postgraduates have applied for Group D and level 1 posts notified by railways in 2019. So these are the issues facing the youth. And I want to bring out a very important point. Prime Minister Modi said in Parliament that Manrega is the living monument of failure of the UPA Sarkar living monument of failure of the upa sarkar that manrega when 8 lakh people moved from the urban to rural areas during the covid that manrega gave the jobs that manrega gave life to this present government that manrega that is what is the importance of it so you can criticize the manrega but manrega is the one which gave jobs and i want to ask the prime minister of india why is he not closing it then if he feels it's a living monument of the UPA's failure? And last but I also want to point out about the education loans because we are talking about the youth of this nation. The education loans under the Sarkar has completely come down. Eligibility criteria has become stronger. We, when the car loans are going up, people are buying more cars. The population has gone up. The education loan दिस कंट्री हैजिकली गॉन अप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज प्रणव जी सेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूथ वॉट द यूथ शुड ईट वो क्या पहनना है किसके साथ बात करनी है किसके साथ शादी करनी है वो सब तय करेंगे इस सरकार इसके लिए वी शुड टू आस्क Why this is happening in this country and we will not let this happen in this country. That is the reason, again, some platform like Young India Kiya Bol is there, ki there is a freedom of speech for the youth. And of course, I want to bring up the woman and child affairs minister, Ms. Smriti Irani. Every time she's quiet, Hatris chup ho hai. ये महिला का सुरक्षा इवन दैट कम्स अंडर द यूथ हाथरस में चुप हो जाती है कटुआ चुप हो जाती है उनावा चुप हो जाती है अभी बेंगलोर में जब राम रहीम को बेल मिलती है चुप हो जाती है अभी बैंगलोर में एक लड़की को शी वॉज फाउंड इन इन अ ड्रम डेथ ऑफ यू नो हर बॉडी वॉज फाउंड चुप हो जाती है जब बलात्कार हो तो इस देश में चुप हो जाती है लेकिन जब राहुल गांधी के बारे में कुछ है सो शी कम्स आउट एंड शा शाउटिंग So I want to understand from her: Is she ashamed as a mother? Is she ashamed as a woman that she does not speak up for the women and children of this country? As a wife, a mother, where is Smriti Irani today? Why is she quiet when there are rapes in this country? Where is this lady? That is the most important thing. And Jabbi Rahul Gandhi, only she goes out there to support Narendra Modi ji when it comes to Rahul Gandhi ji. So we. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर टू बेटर स्टेप डाउन एंड गो होम एंड कांग्रेस पार्टी हमेशा युवा लोगों को हर स्तर पर मौका देने का काम किया है यंग इंडिया की बोल जो थर्ड सेशन में अभी शुरू करने जा रहे हैं इस देश का हालात में आपको पता है जो सरकार ने कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसका आवाज को दबाने का उनके ऊपर केसेस लगाने का तमाम युवा को डराने का किस तरीके से कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बने का काम सरकार कर रही है इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी का सोच और खड़गे जी का हमेशा युवा को लोग लेके चिंता है उन लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म हम लोग भारतीय युवा कांग्रेस ने लोकतंत्र के तरीके से अपने बात रखने के लिए पूरा देश पर तालुक से लेके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक जो स्पोक्स पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो सेशन थ्री हम लोग ने आज लॉन्च कर रहा है जो पिछले दो फर्स्ट और सेकंड में तमाम ऐसे बहुत युवा इसमें और स्पोक्सर्सन बन के लोग अभी पूरा देश में कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी और सरकार का जो नाकामी है तमाम उनका जो वादा है जुमला है उसको लेके बात करने का काम कर रहे हैं अभी जो जो इस आ, सेशन थ्री में सबसे ज्यादा और नया नया जो युवा है वो लोग भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के साथ उन लोग ने जुड़ना चाहते संगठन के साथ जुड़ना चाहते यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे तमाम लोगों का सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आया तो उन लोगों के रिक्वेस्ट मीन्स पूरा देश भर से ये दोबारा यंग इंडिया बोल सेशन थ्री के लिए तमाम लोगों का जो जल्दी इसको और जल्दी से आप लोग ने हम लोग ने इसको आज लॉन्च करके इसको प्रक्रिया भी स्टार्ट करेगा प्रक्रिया के बारे में पूरा सुबोध जी बताएगा आपको पता है इस समय में जो म्यूट म्यूट तंत्र जो पार्लियामेंट से लेके कहीं भी किस तरीके से सरकार ने जो कर रहा है तो एक मई को लोग ने म्यूट कर सकता है कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस ऐसे लाखों लोगों माइक लेके सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हम लोग ने यंग इंडिया की बोल के तरफ से हम लोग ने तैयार करने का काम हमने करेंगे भारतीय युवा कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि लगातार वो युवाओं को किसी ना किसी माध्यम से मंच प्रदान करने का काम करता रहता है आदरणीय खड़गे जी आदरणीय राहुल गांधी जी कृष्णा अल्लावरू जी और श्रीनिवास जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग लगातार 2019 से यंग इंडिया के बोल के माध्यम से युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करने का काम करते हैं जिसमें वो लोग अपनी पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं उनके अंदर जितनी भी इस सरकार को लेकर के बातें होती है देश को लेकर के जो बातें होती है महंगाई को लेकर बेरोजगारी को लेकर के इस देश में धार्मिक उन्माद जो फैल रहा है उस बातों को लेकर जितनी भी उनके अंदर बात होती है वो यंग इंडिया के बोल के माध्यम से पूरी बेबाकी के साथ वो लोग हमारे मंच पर रखते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि जिनके अंदर योग्यता हो जिनके अंदर मुद्दों की समझ हो जो अच्छी तरीके से बोलना जानते हो उन लोगों को मौका दें और भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से प्रवक्ता बनाने का काम करें मैं खुशकिस्मत हूं कि आदरणीय कृष्णा जी और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में मुझे भी ऐसा मौका मिला और मैं इस मंच तक पहुंचा आज भारतीय युवा कांग्रेस ने हमें वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है तो यंग इंडिया के बोल का ही यह परिणाम है ये एक ऐसा प्रोसेस है इसका तीसरा चरण हमने लॉन्च किया है।, इस प्रोसेस में, के माध्यम से हम इस है उसे मंच प्रदान करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करती है गूगल फॉर्म के माध्यम से जो प्रविष्टियां आती है जो उस, उसे हम जिला स्तर पर स्क्रूटनी करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को हमें भेजें अपने

बोलने वाले लोग हैं वो प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता के पद पर बने और जो जिला स्तर पर बनते हैं वो जिला में जो जो सबसे अच्छे बोलने वाले होते हैं वो जिला स्तर पर बन जाते हैं ये पूरा एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है फिर फिजिकल प्रोसेस हो जाता है प्रदेश में और हर प्रदेश से पांच से दस अच्छे वक्ताओं को हम राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आते हैं यहां पर पिछले दो बार से जो आप सब ने विटनेस किया है जो हमारा इवेंट यंग इंडिया के बोल होता है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में उस कार्यालय में हम उस इवेंट में हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस मंच से जो राष्ट्रीय मंच होता है उससे वो अपनी बात को रखें और उस बात को हम देश के हर युवा तक पहुंचाएं हमारा जो प्रोसेस है वो अट्ठारह अप्रैल अठारह मार्च यानी कि आज से शुरू हो रहा है अप्रैल तक गूगल फॉर्म्स भरे जाएंगे 25 अप्रैल से 15 मई तक जिला और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जून के दूसरे सप्ताह में यंग इंडिया के बोल का फाइनल जो फिनाले है वो दिल्ली में किया जाएगा जिसमें हमारे देश भर के वरिष्ठ नेता आते हैं और हमारे जो जजेस होते हैं वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही योग्य होते हैं जो उन्हें जज करते हैं जो शमा जी हमें लगातार पिछले तीन सीजन से हमारे कार्यक्रम को जज कर रही हैं और भी हमारे जो वरिष्ठ नेता रहते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रणव जी का हमें लगातार आशीर्वाद और सहयोग मिलता है तो ऐसे सारे वरिष्ठ नेता हमारे कार्यक्रम को जज करते हैं और अब मैं आगे के मोटिव को बताने के लिए मलिक जावेद जी को आमंत्रित करता हूँ जो वरिष्ठ प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस के धन्यवाद सुबोध भाई भारतीय युवा कांग्रेस ये जो प्रोग्राम है यंग इंडिया के बोल हम ऐसे लोगों को चुनते हैं ऐसी युवाओं को चुनते हैं जो निर्भीक हैं निडर हैं जो बोलना जानते हैं और जो सर्वोदय की राजनीति में विश्वास करते हैं जो संविधान को मानते हैं और वो वो युवा जिस जिनमें जोश है जोश के साथ होश भी होना चाहिए क्योंकि मुद्दे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो युवा चाहिए हमें जो बेरोजगारी के खिलाफ बोल सके वो युवा चाहिए हमें जो महंगाई के खिलाफ बोल सके वो युवा चाहिए जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ सके हमें वो युवा चाहिए जो युवाओं के मुद्दे उठा सके हमें वो युवा चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठा सके हमें वो युवा चाहिए जो पूरे प्रदेशों में पूरे राज्यों में जिले से लेकर और नेशनल लेवल तक हर मुद्दे पे अपनी बात रख सके तो ये यंग बोल इंडिया का कार्यक्रम उन युवाओं के लिए है जो बोलना जानते हैं और भारतीय युवा कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं और देश की राजनीति में एक अहम रोल आने वाले वक्त में अदा करेंगे धन्यवाद